नमस्ते पेरेंट्स, हाय बेटा, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। दिस इज आयुष्मान पंडा ऑफ द ट्रिब्यूट क्लासेस। मु जानि से समस्त आज वेटिंग रे अछंती। सॉरी बेटा, शटडाउन पई मोचुर वाईफाई ऑन कर पाउनी। एक्चुअली वीडियो हमर कंप्लीटेड हे जी, जोति में मात्र शटडाउन पई ऑफिस खुली होनी कि वाईफाई ऑन करियो, तो मु सेति पई तमान वेटिंग करली। तबे भी हम ट्राई करू कि रात्रि वाईफाई खुली जेम चले भी अपलोड करियो बोली। तो थैंक यू सो मच तमान वेटिंग करला। आज लेकर स्टूडेंट्स मते ए एक्सरसाइज ऊपर क्वेश्चन पूछा चंदी ताकर डाउट आन चंदी, तो थैंक यू सो मच ता भाई, लव यू ऑल। चलो स्टार्ट करिए। द सम ऑफ टू नंबर इज 1000। जब तक कि हमें जैसे ही हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स पढ़ रहे हैं, व्हाट इज द टू वेरिएबल्स, द थिंग इज दैट वन इज एक्स एंड द अदर वन इज वाई। मीन्स अगर एक मेल है तो एक फीमेल को लाना पड़ेगा, है ना। अगर आप ए लोगे तो बी लेना पड़ेगा। तो जस्ट ऑफ थिंग्स, द सम ऑफ टू नंबर इज 1000। सो लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स एंड द अनदर वन बी वाई। इज इट क्लियर? सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देन, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोलता है कि द सम ऑफ टू नंबर इज 1000, दैट इज एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1000। इक्वेशन वन, ठीक है। लेकिन बाद में क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट आता है। क्या ट्विस्ट आता है? द डिफरेंस बिटवीन देयर स्क्वायर, द डिफरेंस बिटवीन देयर स्क्वायर। मुझे पता है यहाँ पर यूट्यूब में अगर हम लोग पढ़ाया नहीं तो मुझे एक चीज बताना है। खास करके बच्चे लोगों का दिमाग भी आता है कि सर आपने x प्लस y लिया है, अगर डिफरेंस आ गया तो हमने क्या y माइनस x लेंगे। यही पर्टिकुलर चीज को पर मैं बताना चाहता हूँ। अगर आप स्टार्टिंग में x लेते हो तो आप x प्लस y लेंगे। कोई कोई बच्चे हैं ग्रेड का फर्स्ट नंबर एक y लेंगे, तो ये योर चॉइस। अगर आप y लेंगे तो आप क्या y प्लस x, अगर आप y प्लस x ले रहे हैं तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जरा प्लीज गौर से सुनिए बच्चे पार्टी, प्लीज बेटा जरा बहुत सुनिए। मैंने यहाँ पर पहला x लिया है फिर बाद में y लिया, तो x प्लस y इक्वल टू 1000। आप लोग अगर y ले रहे हैं तो आप y लीजिए, लेकिन इफ द क्वेश्चन डिफरेंस में बोल रहा है, अगर डिफरेंस में बोल रहा है तो अपने को करना क्या है, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू 256000। अगर मैं यहाँ पे y लेता तो मुझे क्या लिखना पड़ता, y square, अगर मैं यहाँ पे y plus x is equal to 1000 लेता तो मुझे लिखना पड़ता y square minus x square is equal to 256000। आप जो भी ले सकते हो, ठीक है, समझ में आ गया। लेकिन हमने यहाँ पर पहले x ले लिया है तो इसलिए हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख देते हैं। What is the formula of x square minus y square? That is x plus y और x minus y, ठीक है। चलिए फिर से आप लोग फिर रिपीट चलते कैमरा के पास। कैमरा मैन बताइए x plus y का वैल्यू क्या है? 1000 क्या है? 1000। अरे बड़ा भाई ने बताइए ना, 1000 वेरी गुड। कैमरा मैन बता रहे हैं, आपको ही बताना चाहिए। कमेंट में लिख के भेजिएगा, हम x सॉल्व करेंगे, आप y सॉल्व करके कमेंट में लिख के भेजिएगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया बात। तो यहाँ कैमरा मैन भी कुछ ना कुछ सीख रहे हैं हमारे साथ ना, क्या? चलिए अच्छा, तो x माइनस वाई इक्वल टू 256 इक्वेशन टू, जैसे है ना। चलिए फिर से अभी रिपीट कैमरा मैन के पास चलते हैं और स्टूडेंट के पास चलते हैं, ठीक है। अभी कैमरा मैन है गोपाल सर, जरा गोपाल सर को दिखाया है वीडियो में, जरा गोपाल सर को दिखाइए वीडियो में, ऐसा है, ठीक है। अच्छा ठीक है, बाद में दिखा देंगे, ठीक। चलिए तो इक्वेशन वन, नाउ सॉल्व इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू। So x plus y is equal to 1000 and x minus y is equal to 256. हमने आपको पहले ही बताया था जब प्लस और माइनस रहेगा तो क्या करना है, इसको कैंसिल कर देना डायरेक्टली और फिर जो साइन है उसी को बनाना है। तो गोपाल सर जरा बताइए x plus x क्या होगा, x plus x क्या होगा, क्या होगा? 2x होगा। चलिए बहुत बढ़िया बात है, तो फिर ये भी प्लस होगा, ये सही है ना। तो ये आपका बन जाएगा 1256, तो x इज इक्वल टू 1256 डिवाइडेड बाय 2 256।
ठीक है, ठीक है ना, गलती हो गई है पक्का। अरे ये करेक्ट, ठीक है यार, 8 साल 10 साल हो गए पढ़ाई। चलिए आप लोगों का काम है वाई लिख के कमेंट में भेजिएगा, ठीक है, आप लोगों का काम है वाई लिख के कमेंट में भेजिएगा, ठीक है। आई रिपीट वन सेकंड द क्वेश्चन, द क्वेश्चन इज दैट द सम ऑफ टू नंबर इज 1000, दैट मींस हमने दिया है यहां पे फर्स्ट नंबर x और अनदर नंबर y है, सो x plus y is equal to 1000, द सम ऑफ टू नंबर इज 1000, इज इट क्लियर ऑफ नाउ द डिफरेंस बिटवीन देयर स्क्वायर, सो देयर स्क्वायर व्हाट इज द स्क्वायर हियर, आपका जो पहला नंबर है और जो दूसरा नंबर है y स्क्वायर, दोनों का डिफरेंस मिला के होता है 256 0। तो हमने क्या किया, इसको ज्यादा कुछ कम नहीं किया है, इसको हम लोग क्या किया, फॉर्मूला के हिसाब से चेंज कर दिया है, मींस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस b रूट टू a माइनस b, दैट इज x प्लस y एंड x माइनस y, x प्लस y का मुझे था वैल्यू में डाला, x माइनस y डाला, देन सॉल्व, ओके। कमेंट सेक्शन में आप लोग आ रहे यार, मेरा 800 बच्चे हैं, कमेंट में 18 कमेंट आता है, क्या सो गए क्या सर, कमेंट में भर के भेजिए ना यार आंसर, वाई का आंसर निकाल के कमेंट में भेजिए, मैं नेक्स्ट टाइम देखना चाहता हूँ करीबन 50-60 के ऊपर कमेंट जाना चाहिए, ठीक है। बच्चों दूसरा क्वेश्चन आपका ये है कि ये भी एक डाउट ही सेक्शन में आया था, दूसरा क्वेश्चन जहाँ पे लिखा है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26, सो द क्वेश्चन इज दैट द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने को कुछ नहीं लेना है, आग बंद करके क्या लिखना है बच्चा, लेट द वन नंबर बी एक्स, दैट इज द फर्स्ट नंबर, रिमेंबर इट, इट्स माई ट्रिक्स, एंड द एंड द नंबर बी वाई, बराबर। तो पूछा गया है द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर इज 26, एज ए पॉसिबल आप बना लीजिए खुद से, डिफरेंस पूछा है दैट इज एक्स माइनस वाई इज 26, एंड वन ऑफ द नंबर इज, वन ऑफ द नंबर, अरे बाप रे बाप, जो नेक्स्ट स्टेप वाला क्वेश्चन रहता है बेटा उसको बड़ी ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, बड़ी ध्यान से, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टू, आई थिंक नॉट अ डिफिकल्ट, इट्स अ वेरी सिंसियर, अगर आप क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लिए तो आप बना लीजिएगा। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा है, एंड वन ऑफ द नंबर, लेट द वन ऑफ द नंबर, माई फर्स्ट नंबर इज एक्स, जैसे कि हमने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था कि अगर आप यहाँ पे पहला नंबर एक्स लेते हैं तो आपका बी वन ऑफ द नंबर एक्स होगा, अगर आपका प्रीवियस क्वेश्चन में हमने बताया था कि द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर, द स्क्वायर ऑफ द टू नंबर इज जितना भी है 256 0000, तो अपने वो क्या करना है, जो पहला लिए थे वही लेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर पहला नंबर एक्स लिया तो मैंने एक्स लेगा, एंड वन ऑफ द नंबर इज बताया था पहले, इज इक्वल्स टू विल वुड बिकम दे आर ऑल आर इक्वल टू साइन इन द मैथ, इन द मैथमेटिक्स, ठीक है। तो इज इक्वल्स टू 3 times द दैट इज एक्स इज इक्वल टू 3y, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं भाई, बढ़िया बढ़िया नंबर निकलेगा और क्या, सब्स्टिट्यूट कर लीजिए इसको, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 26, एक्स के जमा लीजिए 3y, सो 2y इज इक्वल टू 26, कैमरामैन क्या होगा बेटा 26 डिवाइड बाई 2, कैमरामैन बोलना भाई 13, अरे बहुत बढ़िया बात है, चलिए बहुत बढ़िया बात है, देखिए आपके लिए, देखिए कैमरामैन भी इतना स्मार्ट बनते हुए आ रहे हैं आजकल, तो आप लोग भी निकालिए अभी, चलिए तो निकालिए x निकालिए ना भाई, कैमरामैन बताइए x क्या होगा, बताइए फटाफट, 26 प्लस 13 बताइए फटाफट, बताइए आप फटाफट बताइएगा, 39, वेरी गुड, क्लियर। चलो तो तुम नेक्स्ट क्वेश्चन हो बेटा, मैंने फ्रैक्शन रे पढ़े, जदि आउ कौन डाउट हो एक्सरसाइज रे एडिशन वा उपरे तो मते व्हाट्सएप रे पर्सनली मेसेज पठाओ, मुझे नेक्स्ट टाइम रे तुमको सॉल्व कर देबी, क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होचे आमे मोना फ्रैक्शन को ऑलरेडी पढ़ले नी, तो बेटा फ्रैक्शन माने आमे कौन बुझुचु, फर्स्ट आमे टिके जान देवा कथा कि आमे फ्रैक्शन माने आमे बुझुचे कौन, फ्रैक्शन का मतलब अपने को क्या समझ में आता है, फ्रैक्शन का मतलब होता है कि पी वाई क्यू फॉर्म में रहेगा जिसको अपने न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर बोलते हैं, ठीक है। मेरे पास स्मार्ट बोर्ड तो नहीं है, मुझे लिखना पड़ता है, ठीक है।
ठीक है, अगर स्मार्ट बोर्ड होता तो मैं ऑलरेडी उसको लिख के आपके सामने फटाफट विजुलेशन में लेके आ सकता था। तो प्लीज़ सपोर्ट यार, गरीब आदमी हो, ठीक है। तो पी वाई क्यू फॉर्म में रहना चाहिए, जो कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर फॉर्म में रहना चाहिए। दैट मीन्स यहाँ पर भी आपका एक एक्स और एक वाई है, जो कि पी वाई क्यू फॉर्म में है, दैट मीन्स एक्स बाई वाई, ठीक है। सो यू रिमेंबर दैट थिंग, एक्स बाई वाई। जैसे कि अपने डिजिट वाले क्वेश्चन में ओरिजिनल नंबर को एक प्रिंट बना के दिमाग में रख दिए थे कि टेन वाई प्लस एक्स, उसी टाइप यहाँ पर भी वही चीज़ है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में पूछा है, ए फ्रैक्शन बिकम्स फोर बाई फाइव, ए फ्रैक्शन बिकम्स फोर बाई फाइव इफ वन इज एडेड बोथ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट द न्यूमिनेटर बी एक्स एंड डिनोमिनेटर बी वाई। सो देन क्वेश्चन अपने से क्या पूछ रहा है, इफ वन इज एडेड बोथ द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, इफ वन इज एडेड बोथ द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम्स फोर बाई फाइव। सो यू हैव टू बी सॉल्व इट जस्ट लाइक दिस। सो आवर कैमरा मैन गौतम जी कटे गए, फाइव इंटू एक्स क्या होगा, फाइव एक्स, वेरी गुड, फाइव इंटू वन फाइव, दैट इज फोर वाई प्लस फोर। तो चलिए इसको बराबर से सजा देते हैं। दिस वन इज इक्वेशन वन, क्लियर, इक्वेशन वन, वेरी गुड। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द नेक्स्ट स्टेप, व्हाट द क्वेश्चन विल बी आस्क्ड यू, इफ हाउ एवर फाइव इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, अगर पांच आपके बोथ न्यूमिनेटर से और डिनोमिनेटर से काट दिया जाए तो आपका फ्रैक्शन बन रहा है वन बाई टू। आपका फ्रैक्शन क्या बन रहा है, वन बाई टू। तो चलिए गौतम जी हेल्प करिए जरा, कैमरा मैन, टू एक्स प्लस इंटू माइनस माइनस, फाइव टू जा टेन वाई माइनस वाई, वेरी गुड। सो टू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस फाइव प्लस टेन, क्या बनेगा गौतम जी, फाइव, वेरी गुड। गौतम जी ने बहुत अच्छा आंसर दे के अपने को हेल्प कर रहे हैं, थैंक यू यार, थैंक यू सो मच गौतम जी। लास्ट में मैं दिखाऊंगा कौन है गौतम जी, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो बराबर कर दीजिए किसी को भी एक, एलिमिनेशन मेथड, इट्स फॉर माय चॉइस, इफ योर चॉइस यू हैव टू बी सॉल्व इट इन यू विल टू बी सॉल्व इट इन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, एज योर चॉइस, बट माय चॉइस इज द बेस्ट इज टू सॉल्व इन एलिमिनेशन मेथड, इज द गुड वे टू सॉल्व इट। फाइव फोर जाए ट्वेंटी बराबर है माइनस साइन, तो इसलिए प्लस डाल देता हूँ। वंस अगर साइन चेंज कर दिए किसी में भी काटने में तो सब में चेंज करना पड़ेगा। तो ये हो गया माइनस थ्री एक्स, यहाँ में भी माइनस डालो, ये हो गया माइनस ट्वेंटी वन, तो माइनस माइनस कैंसल, एक्स आपका आएगा ट्वेंटी वन बाई थ्री। कितना होगा गौतम जी, कैमरा मैन कितना होगा, ट्वेंटी वन बाई थ्री सेवन, वेरी गुड। क्या गौतम जी सोए हुए क्या, तो एक्स आपका आ गया सेवन। अब आपको y निकालना है तो मैं यहाँ पर निकाल देता हूँ y, अदरवाइज यहाँ जगह है, यहाँ निकाल लेता हूँ, ठीक है सही रहेगा। तो आपको y निकालना है, 5x माइनस फोर वाई इजिकल टू माइनस माइनस वन, फाइव इंटू सेवन माइनस फोर वाई इजिकल टू माइनस वन, सेवन फाइव जो थर्टी फाइव माइनस फोर वाई इजिकल टू माइनस वन, माइनस फोर वाई माइनस वन माइनस थर्टी फाइव माइनस फोर वाई माइनस थर्टी सिक्स। सो y इज इक्वल टू थर्टी सिक्स बाई फोर, गौतम जी क्या होगा बताइए जरा, फोर डिवाइड थर्टी सिक्स डिवाइड बाई फोर क्या होगा, नाइन जा रहा है, वाह वेरी गुड। तो आपका y निकला यहाँ पे नाइन, तो आपका फिर फ्रैक्शन क्या बन रहा है, देयर फोर द फ्रैक्शन इज दैट न्यूमिनेटर आप x लिए थे, दैट इज सेवन बाई नाइन, बराबर समझ में आया। कैन आई रिपीट वंस अगेन,
अगर किसी को जरूरत है रिपीट करने के लिए तो मैं फिर से रिपीट करता हूँ, लेट द न्यूमरेटर बी एक्स, न्यूमरेटर बी वाई, बराबर हो गया। अब बता रहा है पहला क्वेश्चन में कि आप वन वन दोनों में ऐड कर दीजिए जिसको आपको बनना है 4/5। तो हमने ऐड कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के हेल्प से हमने यहाँ तक निकाल दिया। फिर वो दूसरा सेंटेंस में बोलता है कि 5 माइनस हो रहा है दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से, बराबर यहाँ पर एक एक ऐड हुआ, वहाँ पाँच पाँच माइनस हुआ, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए, दूसरा निकल गया। दूसरा निकलने के बाद अपने को इसको क्या किए, हम इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किए, ठीक है। तो 5x-4y = -1, 2x तो बराबर किए, काटाकुटी कर दिए, एलिमिनेशन मेथड ऑलरेडी सॉल्व हुआ, ठीक है। ओके बेटा, पार्ट 4 के लिए आपका लास्ट क्वेश्चन है, जिसको ध्यान से सुनिए। फ्रैक्शन क्वेश्चन इज वेरी इजी, मुझे पता है आप सब लोग बहुत ध्यान से सुन रहे होंगे और बहुत ध्यान से बना रहे होंगे। इसके बाद जो एक्सरसाइज है उसके बाद से एक्सरसाइज बहुत मजेदार है और बहुत जानने वाली चीज है। चलिए क्वेश्चन ऊपर जाते हैं। क्वेश्चन लिखा है, फ्रैक्शन इज सच दैट, फ्रैक्शन इज सच दैट इफ द न्यूमरेटर इज, इफ द न्यूमरेटर इज मल्टीप्लाइड बाय 3, फर्स्ट ऑफ ऑल वेयर इज आवर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, जस्ट लेट द न्यूमरेटर बी एक्स, जरा बहुत से सुनिए, ठीक है, प्लीज ध्यान सुनो, लेट द न्यूमरेटर बी एक्स, डिनोमिनेटर बी वाई, न्यूमरेटर को एक्स ने ली, डिनोमिनेटर को वाई ने ली, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन न्यूमरेटर इज मल्टीप्लाइड बाय 3, तो न्यूमरेटर में कौन पहले 3 मल्टीप्लाई कर देंगे, एंड द डिनोमिनेटर इज रिड्यूस्ड बाय 3, सो डिनोमिनेटर -3 आएगा इज इक्वल्स टू 18/11, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो 11 3 33x इज इक्वल टू 18 × y, दैट इज 18y माइनस प्लस माइनस माइनस 18 3 54, इज इट क्लियर ऑल, तो 18y को मैं बट आन ली तो 33x - 18y इज इक्वल -54। कैमरामैन प्लीज हेल्प मी, नाउ द नेक्स्ट, बट इफ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड बाय 8, मैं बीच बीच में ऐसे बोलता हूँ क्योंकि ना आप लोगों का थोड़ा मजा आ गया, ठीक है, और मुझे इतना सीरियस मत लो यार, बट इफ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड बाय 8, अगर न्यूमरेटर में हमने 8 इंक्रीज कर दिया, प्लस कर दिया, एंड द डिनोमिनेटर इज डबल, द डिनोमिनेटर इज डबल, दैट मींस 2y, 3 होने से 3y, ठीक है, इज इक्वल टू 2/5, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 5x + 8y = 40 इज इक्वल टू 2 × 4y, सजा दिया है, फिर यहां से हमने बनाया x, आप लोग देख लीजिए हमने x निकाला है, कमेंट में y, चलिए थैंक यू सो मच आज का क्लास, आई लव यू ऑल सबको, लेकिन बेटा कमेंट सेक्शन में आपका प्रेजेंट भी आ रहा है, हमने एक पीडीएफ फाइल भी अलग से बनाया, आप पीडीएफ फाइल को नोटिस करिए और उस फाइल में आप उसमें अपना होमवर्क भेजिए, लेकिन फिर भी यार रिक्वेस्ट यार लाइक मारो यार, शेयर करो वीडियो को यार, कमेंट वमेंट मारो, ठीक है, और ऐसा कमेंट मारो जिसमें थोड़ा मजा आए देखने में, ऐसा कमेंट मत मारो, कमेंट में आप इसका आंसर लिख के भेजिए ना, मेरा 80-100 बच्चे है, क्या कर रहे यार आप लोग यार, ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच, आज का वीडियो यहाँ पर कंप्लीट, द नेक्स्ट एक्सरसाइज होमवर्क इज कॉल्ड 3.8, ओके, चलो लव यू ऑल, नमस्ते, आदाब।